चाय मसाला पाउडर बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 4 बड़े चम्मच सौंफ के, 1 छोटा चम्मच छोटी हरी इलायची का। उसके बाद हम लेंगे 3 से 4 लौंग, 1 इंच हम दालचीनी की स्टिक ले लेंगे और छोटा टुकड़ा ड्राइड जिंजर का। उसके बाद हमें चाहिए होंगी कुछ सूखी हर्ब्स। इस रेसिपी के लिए हम फार्म की ही सूखी हुई हर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने ली है सूखी हुई लेमन ग्रास, थोड़ी सी मिंट और थोड़ी सी बेसिल। अगर सीजन में हो तो आप चाहें तो सूखी तुलसी भी ले सकते हैं। मैं इन मसालों को अलग अलग इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि कुछ मसालों को पीसने में टाइम लगता है और कुछ मसाले ज़्यादा पीसने पर बिल्कुल बारीक हो जाते हैं। जब आपने सारे मसाले अच्छी तरह से पीस लिए हों तो उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर रख लीजिए। अगर आपके पास किसी भी वजह से अपना चाय मसाला बनाने का वक्त ना हो तो आप पीपल फार्म का चाय मसाला भी हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। घर पे चाय मसाला बनाने का फायदा ये है कि आप अपने स्वाद के हिसाब से मसाले जो हैं उसकी मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगली बार जब आपको चाय मसाला की जरूरत हो तो आप ये रेसिपी घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।